नमस्कार। श्रेष्ठ लोगों की पसंद हमेशा श्रेष्ठ होती है, जैसे कि आप लोग जिन्होंने धारा मॉड्यूलर आटा चक्की खरीद कर हम पर अपना भरोसा दिखाया। धारा मॉड्यूलर आटा चक्की खरीदने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भरोसा धारा मॉड्यूलर आटा चक्की को श्रेष्ठ बनाता है और आपका भरोसा सदैव हम पर बना रहे ऐसी क्वालिटी का हम आपको वादा करते हैं। वैसे तो धारा मॉड्यूलर आटा चक्की को इस्तेमाल करना बड़ा ही आसान है, लेकिन इसकी प्राथमिक जानकारी जरूरी है। ये जानकारी आपको आपकी चक्की लंबे समय तक चलाने में मदद करेगी और आपका मन चाहा आटा निकालने में उपयोगी रहेगी। तो आइए आपको धारा मॉड्यूलर फुली ऑटोमेटिक आटा चक्की का इस्तेमाल करना सिखाएं। सबसे पहले आपको जिस पार्ट का इस्तेमाल करना है उसकी जानकारी दे देती हूँ। इसे होपर कहते हैं। इसमें अनाज डाला जाता है। ये स्विच है जो ऑटोमेटिक काम करती है, आपको इसे ऑपरेट नहीं करना है। दरवाजा बंद होते ही ये ऑटोमेटिक दब जाएगी और चक्की अपने आप शुरू हो जाएगी। अंदर एक दूसरी स्विच दिखेगी जो कि ज्वार, बाजरा और अदर जैसे ऑप्शंस दिखाएगी। अगर आप ज्वार और बाजरा पीसना चाहते हैं तो स्विच को उस पर सेट कीजिए और अन्य धान के लिए अदर पर सेट कीजिए। ये चैम्बर है जिसमें अनाज पीसता है। ये रोटर रिंग है जो अनाज को पीसती है। ये जाली है जो इस तरह चैम्बर में फिट होती है। कौन सी जाली किस अनाज के लिए यूज करनी है उसकी पूरी जानकारी चार्ट में दी गई है। ये चैम्बर लॉक है जिससे सुरक्षा की पूरी गारंटी रहती है। इसे इस तरीके से बंद किया जाता है। ये फिल्टर है और ये कंटेनर। पिसाई के वक्त दोनों ही जुड़े रहते हैं। आटा पीसने के बाद चैम्बर में से फिल्टर में आकर कंटेनर में आ जाता है। इसमें चार व्हील्स दिए गए हैं जिसको नीचे फिट करने हैं और इससे चक्की को हिलाने एवं साफ करने में आसानी होती है। तो ये थी पार्ट्स की जानकारी जो आपको चक्की इस्तेमाल करने में मदद करेगी। आइए देखते हैं चक्की को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। 50 साल के अनुभव और टेक्नोलॉजी को मिलाकर हमने आपके लिए धारा मॉड्यूलर फुली ऑटोमेटिक आटा चक्की बनाई है जिसका इस्तेमाल बहुत ही सरल है। इसके लिए आपको दो काम करने हैं। पहला, अनाज को हॉपर में डालें। दूसरा, जिस तरीके का आटा चाहे उस तरीके की जाली चैम्बर में फिट करें। आगे का काम धारा मॉड्यूलर आटा चक्की खुद करेगी। आइए देखते हैं इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले सामने वाले दरवाजे को इस तरीके से खोल दें। उसके बाद आपको जिस अनाज का आटा चाहिए उस तरीके की जाली फिट कीजिए। जाली को ठीक से दबा दीजिए ताकि दरवाजा ठीक से बंद हो जाए। जाली फिट करने के बाद चैम्बर को ठीक तरीके से लॉक कर दीजिए। ऊपर के दरवाजे पर जाली के चयन की पूरी जानकारी चार्ट के स्वरूप में दी गई है। अब ऊपर के दरवाजे को इस तरीके से खोल लें और होपर में अनाज डाल दें। अनाज डालते हुए एक बात का ध्यान रखें, होपर को पूरी तरीके से ना भरें, उसमें थोड़ी सी जगह रहने दें। अब पावर प्लग को स्विच बोर्ड में लगा दें और स्विच को ऑन कर दें। स्विच ऑन होने के बाद भी चक्की शुरू नहीं होगी। जब तक सामने वाला दरवाजा बंद नहीं हो जाता चक्की शुरू नहीं होगी और ये आपकी सुरक्षा के लिए है। चक्की शुरू करने के लिए सामने वाले दरवाजे को इस तरीके से बंद कर दें। लीजिए, आपका काम खत्म। अब धारा मॉड्यूलर आटा चक्की अपना काम खुद करेगी और अब आप फ्री हैं। आप जो चाहें वो कर सकती हैं, अपना मन पसंदीदा सीरियल भी देख सकती हैं। तो चलो अब मैं चलूं। घबराइए मत, अनाज खत्म होने के बाद चक्की खुद में खुद रुक जाएगी। अनाज पीस जाने के बाद आपको एक बजर सुनाई देगा जिसका मतलब आपका हेल्दी आटा तैयार है। अनाज पीस जाने के बाद चक्की 2 मिनट तक चलती रहेगी। ये हमारी ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम है जिससे चक्की अंदर से ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाती है। अब मेन स्विच को ऊपर से बंद कर दें और प्लग को इस तरीके से निकाल दें। उसके बाद फिल्टर को चैम्बर से अलग कर दें और कंटेनर को बाहर निकालें। अब कंटेनर और फिल्टर दोनों को अलग कर दें। ये बहुत ही आसान है। फुली ऑटोमेटिक होने के कारण चक्की अंदर से खुद ही क्लीन हो जाती है, लेकिन एडिशनल सफाई करने के लिए इसे मैन्युअली साफ करना भी जरूरी है। ये बहुत ही आसान है। आपको इसके साथ मिलता है एक ब्रश। आपको ये ब्रश लेना है और इसको जाली को और चैम्बर को साफ करना है। अब थोड़ी सावधानी बरतने की बातें ताकि आपकी चक्की लंबे समय तक यूं ही बिना रुके चलती रहे। यदि इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज लो हो या अर्थिंग ना हो तो कृपया इसे ऑन ना करें। जैसे कि हमने पहले बताया, जाली फिट करते समय ध्यान दीजिए कि जाली ठीक से फिट हो जाए।
अगर आप हल्दी और सौंट जैसे कठोर चीज़ें इसमें पीसना चाहें तो इनके छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद ही होपर में डालें ताकि होपर में मसाले ना फंसें। देखा कितना आसान है धारा घरेलू आटा चक्की को इस्तेमाल करना। तो अब आपके पास है हेल्दी और हाइजेनिक आटा बनाने का उपाय। धन्यवाद। तो ये थी हमारी 50 सालों से कार्यरत कंपनी धारा आटा चक्की।